हेलो गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। तो गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, स्पैम कॉल और रिपोर्ट स्पैम हर किसी के माइंड में आता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि स्पैम कॉल जो आता है किस तरीके से होता है और रिपोर्ट स्पैम आता है तो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ही बात करेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पहली बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके का और वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू तो चलिए बताते हैं कि स्पैम कॉल किस तरीके से आता है। स्पैम कॉल जो होता है दोस्तों, आपके मोबाइल में जब भी आएगा उसमें दोस्तों 14 रहेगा, 14, और उसके पीछे दोस्तों 00230 रहेगा। जिस भी नंबर में दोस्तों 14 और 230 रहेगा, समझ जाइए उस नंबर में दोस्तों स्पैम कॉल ही है। क्योंकि दोस्तों स्पैम कॉल जब भी आता है वो दोस्तों किसी न किसी कंपनी के द्वारा आता है, और दोस्तों रिपोर्ट स्पैम जो होता है वो किसी न किसी मोबाइल का नंबर होता है, जो दोस्तों आपके दोस्त का, फ्रेंड का या फैमिली का नंबर हो सकता है। और दोस्तों जब भी आपके मोबाइल में रिपोर्ट स्पैम लिखता है, आप समझ जाइए उस नंबर से पहली बार आपके मोबाइल में फ़ोन आया है। अगर दोस्तों उस नंबर से पहली बार आपके मोबाइल में फ़ोन आता है, तभी दोस्तों इस पर लिखा रहता है रिपोर्ट स्पैम, मतलब आपका दोस्त का है, ठीक है, लेकिन दोस्तों उस नंबर से पहली बार आता है तभी दोस्तों उस पर लिखता है रिपोर्ट स्पैम कि आप इसको जानते हैं। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस नंबर पर रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही डिफरेंस होता है स्पैम का और दोस्तों रिपोर्ट स्पैम में, बस यही अंतर होता है। तो दोस्तों आपके क्या राय है, आपके क्या विचार है इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके का और वीडियो देखने के लिए। तो आज मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।